छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। सभी सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान में दोपहर 1 बजे तक छत्तीसगढ़ में 38.22% मतदान दर्ज किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कुरडीगह ग्राउंड में मतदान केंद्र संख्या 57 पर अपना वोट डाला। अपना वोट डालने से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम और दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने कहा, हमारे पास 75 से ज्यादा सीटें हैं, यहाँ लड़ाई एक तरफा है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हम। कितने नंबर से पास हो रहे हैं, कितनी सीट सारी हैं? 72। अच्छा, उससे कम नहीं है। लेट नहीं, नहीं, अच्छा परसेंटेज है, आप पता करें, कहीं कहीं 30-40% हो गया, बहुत बढ़ गया। यहाँ मामला एक तरफा है, किसी लड़ाई उड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ के ये लड़ाई जो है वो यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ महिलाएं, युवा सब लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग तो कल था तो घूमे थे, अरे एक तरफा है यहाँ, तो दो तरफा भी नहीं है, भतीजों से कोई परेशानी नहीं है। अरे कोई परेशानी, यहाँ तो एक तरफा है मामला। मैंने कहा ना, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ पाटन में, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मतदाता खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला एक तरफ तो है, तो जो अपने आप भतीजा साबित कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते।